ये वाला बक्सा मैं आज लेकर चली आई हूँ, जिसका प्राइस है 243, लेकिन 243 का नहीं है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो के साथ तो जुड़े रहिए। और कोई सा भी प्रोडक्ट आता है तो मैं घुमाकर तो ज़रूर देखती हूँ। ये तो मेरा आजकल मेरा एक हैबिट बन चुका है कि घुमाती हूँ, पता नहीं क्या होता है भीतर में, लेकिन हाँ घुमाती ज़रूर हूँ। और मैं, मुझे पता है आप लोगों को लगेगा कि मैं उल्लू बना रही हूँ क्योंकि मैं ही तो ऑर्डर देती हूँ, लेकिन मैं इतना सारा प्रोडक्ट ऑर्डर देती हूँ और जब ऑर्डर आता है मैं इसको चेक नहीं करती हूँ। इसका कारण ये है, आई लव सरप्राइजेस, यही कारण है और कुछ नहीं। ये वाला कंटेनर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो कलरफुल बहुत ज़्यादा लगा। ये है वंडर का 4-in-1 एयर टाइट ट्रांसपेरेंट फूड प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर, जो एकदम ही एयर टाइट नहीं है, एकदम हल्का सा है। मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, आप इसमें चावल दाल ये सब कंटेन आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आप एयर टाइट नहीं है और इसको आपको तकलीफ़ होगा कि अब जब आप इसको निकालेंगे तब आपको बाकी तीन को एकदम कसकर पकड़ कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ओपन हो जाएगा सारा एक साथ हो जाएगा और दाल चावल खिचड़ी बन जाएगा। और इसका प्राइस है 139, लेकिन 101 का डिलीवरी मिला चार्ज लिया गया है, इसीलिए इसका प्राइस 249 का दिखा रहा है, ठीक है। और COD आपको मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी और 7 डेज तक रिटर्न भी हो जाएगा। तो अगर आपको देखना है कैसा है तो आप ख़रीद सकते हैं, 7 डेज के लिए तो ओपन ही रहेगा, आप फिर उसको बदल लीजिएगा। तो ये इसको घुमाने में ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है और इसको बजाने में भी। और इसका कोड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर ईशो में दिख जाए तो इसमें थोड़ा सा रेटिंग कर देना कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है और ख़रीदना तो नहीं है एकदम ही। तो फिर कोड मैं बता देती हूँ, 3082-3841, ये कोड ढंग से याद कर लीजिएगा। ये वाला डिब्बा नहीं ख़रीदना है क्योंकि ये एयरटाइट नहीं है। अगर आपको दाल चावल रखना है और खिचड़ी बनाना है तो इसके लिए एकदम परफेक्ट है ये वाला बक्सा। तो मुझे कलरफुल ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। सिर्फ ऊपर का जो ढक्कन था ये सिर्फ थोड़ा सा अगर अच्छा होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस, अनबॉक्सिंग, टिप्स, ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे गाइस। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और क्या बताऊँ, आप लोग तो मेरे अपने हैं। और थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और अगर कुछ बुरा लगे तो उसको थोड़ा सा हजम भी कर लेना, क्योंकि क्योंकि क्या बताऊँ, हजम करना बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, सब कुछ हजम करना ही तो होता है। और ज़िंदगी का नाम हर एक चीज़ को हजम करना है, वो खाना हजम करना हो या बातें हजम करनी हो या दुख हजम करना हो, सुख हजम करना। कभी कभी सुख भी ज़्यादा नहीं बचता है, इसलिए सुख भी थोड़ा सा हजम करना पड़ता है। खुद के सुख भी नहीं हजम होता है, दूसरों को तो अपना सुख कभी हजम नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोगों को तंग करना है तो खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं का नहीं रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हो गया बहुत सारा भाषण, तो आपको मैं दाल निकाल कर भी दिखा देती हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए टाटा।